हुआ जवान था, लेकिन 22 दिन की उस लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की टीम को तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर अमनेशन और राशन पानी ले जाने का जो काम मिला, 22 दिन में 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते थे। उसी काम की बदौलत, उसी कार्य की बदौलत हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि तीनों लड़के फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए। तभी हमारे एक कमीशन होकर के एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए थे, उनको उस टीम की कमांड दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार हमने 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। साथी, उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि हाइट 16,500 फीट, जो कि दुश्मन दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। तो अपने आप को छुपाते हुए, सरप्राइज मेंटेन करते हुए उनके नजदीक तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप छुपे रहते थे। दुश्मन का भारी गोलाबारी चल रहा था, बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन सब की परवाह न करते हुए ये हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर लगातार चढ़ते रहे। और 3री रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे नजर आता है कि जैसे कल ही की तो बात है। मुझे याद है सुबह का वक्त रहा होगा, बिल्कुल खड़ी चट्टान, 90 डिग्री की चट्टान थी, उसके ऊपर सिर्फ रस्सियां बांध करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम पूरी टीम चल रही थी। दोनों तरफ दुश्मन के बंकर्स थे, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब व्यक्ति चलेगा तो आवाज भी होगी, पत्थर भी फिसलेंगे, उनकी भी आवाज होगी। उसी आवाज के तहत पाकिस्तान के दोनों बंकर्स ने इस तरह से फायरिंग खोल दिया। जो हमारी टुकड़ी का रास्ता था वो कट अप हो गया, केवल हम 7 जवान तब तक चढ़ चुके थे जब तक उनका फायरिंग शुरू हुआ। इस स्टेज की बराबर प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के 2 बंकर्स, हम 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और दोनों बंकर्स में जितने भी पाकिस्तान के सैनिक थे तमाम को मौत की घाट उतार दिया। सुबह की फर्स्ट लाइट हो चुकी थी, टाइगर हिल टॉप वहां से मात्र 50-60 मीटर रहा होगा जहां पर उनकी एक पूरी कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है, इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी किया कि साथियों हमारी ऐसी परिस्थिति थी कि 1 कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और 1 कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, मरना निश्चित था। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक, चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और उसके शरीर में अगर आखिरी सांस भी बचती है तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते, जो हमारे देश और सेना की बहुत बड़ी ताकत है। हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा हम पाकिस्तानियों को मौत के घाट सुला सकते हैं हम सुलाएंगे। इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ भागे, उनके बंकर्स के अंदर जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका। 5 घंटे तक लगातार हमारा उनका फायरिंग चलता रहा, हम भी 1 कदम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनको भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, चारों तरफ से हम गिर चुके थे। अभी एक ही रास्ता था कि कुछ ना कुछ ऐसी चतुराई का प्लान बनाया जाए, क्योंकि अभी अमिनेशन खत्म होने लगा था, बहुत कम मात्रा में अमिनेशन बचा था। और यह भी सत्य है कि बिना लीडर के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है,
उस समय हमारा जो लीड कर रहा था हमारा प्लेटून हवलदार, हवलदार मदन, तभी हमने उसने प्लान बनाया कि अभी जब दुश्मन की आर्टरी उनकी मोटर्स का फायर आता है तभी हम अपना फायर स्टॉप करेंगे ताकि दुश्मन को लगे कि या इस फायरिंग के दौरान ये हिंदुस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं। जब दुश्मन की आर्टिलरी मोटर्स ने फायर किया उसी फायरिंग के दौरान हमने अपनी फायरिंग को बंद कर दिया और जब 20-25 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुआ तो शायद दुश्मन ने भी सोचा या तो इनका अमुनिशन खत्म हो गया या मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के 10-12 जवान सिर्फ ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं मर गए हैं। 3 अलग अलग पत्थरों के पास हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि जब दुश्मन पत्थरों से निकल करके हमारे सामने आएगा एक साथ फायर खोलेंगे, और जब दुश्मन ऐसे निकल करके आया तो एक साथ हमने फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत की नींद सुला दिया। अब हमारे पास अमुनिशन भी था, हथियार भी था, उन्हीं का हथियार उन्हीं का अमुनिशन लेकर के हमने अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। लेकिन जो पाकिस्तान का 1-2 जवान बच गया था उसने जाकर के अपने कमांडर्स को बताया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हो सकते हैं। विद इन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, बड़े बड़े हथियार थे, तमाम हथियारों का 20 मिनट तक आधा धुंध गोलाबारी शुरू किया, हमें सर नहीं उठाने दिया। और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाते, पत्थर फेंकते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए नजदीक आने लगे तो हमने भी अपना फायर स्टॉप कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हमारा फायर खुलता है तो हमारी लोकेशन जाहिर हो जाएगी। हम उनको नजदीक आने का इंतजार करने लगे। जब काफी नजदीक आए तो हमारी एक LMG लाइट मशीन गन वो उनको नजर आ गई, उसी के ऊपर सीधा उन्होंने RPG का राउंड दाग दिया। वो वेपन हमारा डैमेज हो गया, उसको चलाने वाले नए जवान थे उनको भी आकर के जब पत्थर लगे तो हमारे कमांडर्स प्लेटून हवलदार की तरफ वो दौड़े। वो प्लेटून हवलदार के आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस वेपन के जस्ट बाई तरफ में बैठा करके फायर कर रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज दिया, योगेंद्री से LMG को उठा करके फेंक, इस वेपन के सिवा आज दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो देखता हूं कि जिस पत्थरों से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। मैं कह, सर ये तो बहुत नजदीक आ गए, कहां पर हैं ये खड़े हुए? शायद मेरी आवाज उन तक पहुंची होगी, ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। मेरे एक साथी पीछे लाइंग पोजिशन से फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा और उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि उसका हाथ कट गया है, उसने बोला कि मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं हाथ नहीं सर, उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के बाद तभी एक और जवान जख्मी हो गया। सभी ने बोला कि आप लोग फायर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे करो नीचे की तरफ कूद जाओ, हो सकता है अपनी टीम चढ़ सकती है तो चढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन आप चले जाओ नीचे की तरफ। साथियों अभी तो किताबों के अंदर पढ़ करके गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज तो देखने को मिल रहा था कि सैनिक न कोई धर्म देखता, न कोई जाति देखता, न क्षेत्र देखता, सिर्फ एक वर्दी को देख करके अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर देता है। उन्होंने बोला कि हम नीचे नहीं जाएंगे, तुम लोगों के साथ यहीं रहेंगे, फायर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, बैठ करके तुम्हारा मैगजीन भरते रहेंगे। हम जैसे नौजवानों के लिए तो बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि जो हमारे साथी अपने आप को बचा सकते हैं लेकिन हमारे लिए मर मिटने के लिए तत्पर हैं। तभी एक और हमारे पास स्नाइपर वाला एक LS नायक साहब थे, उनके ऊपर से 3 तरफ से फायरिंग आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी ग्रेनेडियर अनंतराम, हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग किया था, हम दोनों को आवाज दिया कि आप तो दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो वहां से हम हरकत किया उस साथी को हेल्प करने के लिए,
तो शायद मेरी हरकत उनको दिखाई दिया होगा, सीधा ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड का एक ही स्प्लेंडर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी शायद एहसास हुआ कि मेरा घुटने से पैर कट गया है, क्योंकि खड़े थे खड़ा नीचे गिर गया मैं। नीचे गिरते ही एकदम से दिमाग में आया कि देखता हूं पैर कटा है कि नहीं, तैसे हाथ मार करके देखा तो पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड करने लगा, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी एक और ग्रेनेड का स्प्लेंडर आया, उसने आकर के यहां से ये पूरा चेहरा काट दिया। इसको कटने के बाद आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और जब आंखें खुली तो देखता हूं ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहां पर उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर भी रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा और पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे, फायर सपोर्ट दे रहे थे अपने साथी को। मैं उनको बोला कि सर आप ऐसे कीजिए कि फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पहले फायर कर, थोड़ी देर के बाद में मैं फर्स्ट एड करता हूँ। तो मैं साथियों देख रहा था कि मैं फायर करता रहता, उनकी तरफ देखता रहता। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पोलोथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचा था और यहाँ पर आकर के उनको गोली लगी, और इस तरह से करते करते पीछे की तरफ लेटते चले गए लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से सिर्फ क्या यही शब्द निकला। उसको आकर के से सीने में ब्रश लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के सो गया। प्लेटून हवलदार को बोला सर दोनों बंदों के गोली लगी है, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए हैं। साथियों बस मैं इतना ही बोल पाया, तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे दिए और इस प्रकार से आकर के हमको घेर लिया। वो एक ऐसा पल ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। पाकिस्तान का वो एक कैप्टन था वहां पर, उसने आकर के बोला कि इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के कुछ सैनिक आए, उसने आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे, तो मैं देख रहा हूं कि डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। चुपचाप पड़ा हुआ था, उसने आकर के एक एक करके सबको गोलियां मारी, तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में मेरी बाजू में, जांग में, नीचे पैर में, तीन जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया तब अपने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों वो विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख खड़ा भी हूं। जैसे डीआईजी साहब ने कहा, जनरल साहब ने कहा कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें, अपने अंदर एक विश्वास पैदा कर लें किसी काम को करने के लिए, तो जो शरीर की तमाम शक्तियां उस कर्तव्य उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाती हैं और दुनिया की कोई ताकत उस काम को करने से रोक नहीं सकती है। विश्वास तो बना करके देखिए। चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर के बाद बहुत सारी गालियां दी, यातनाएं दी, तो हमारा नीचे एक जहां से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एमएमजी पोस्ट था। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी जहां पर उनका बेस कैंप था। उन्होंने सेट से जैसे मैसेज दिया बेस कैंप को कि नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है इसके ऊपर हमला कर दो। ये सूचना जैसे मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य का निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर
वाहे गुरु अल्लाह भगवान जिसके भी नाम से हम पुकारते हैं वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा। बहुत देर के बाद उनके उस कमांडर ने बोला कि इनके वेपन उठा लो, तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, दूसरा वेपन उठा रहा था, उसने आकर के उसी रोटेशन से दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। और जब एक कदम आगे चला तो उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब लगा ये योगिंदर अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। पूरी पेंट फट गई थी चलते चलते उन पहाड़ियों के ऊपर। तो यहां पर पर्स रखा था, पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। बस उस परमात्मा को बचाना था, इस मां को बचाना था, क्योंकि मैं शुरुआत में बोला था कि मां ऐसे ही नहीं बोलते, भारत मां मां जैसा कर्तव्य भी निभाती है। ये अपने सपूतों को, अपने वीरों का, कि वीरता शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं करती है, बाकी किसी न किसी एक को माध्यम चुनती है कि अपने उन वीरों की वीरता शौर्य और पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सके। शायद इस मां ने मुझे चुनाव किया था। जब गोली चलाई तो जाकर के उस सिक्कों पर लगी और रिकोचेट हो गई। गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि यार मैं भी मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा तो मुझे एकदम से चेतना आई, होश आया, लगा कि यार तू तो जिंदा है। तब एक अंतरात्मा से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे राइफल उठा करके जा रहा था उसी के ऊपर ऐसे फेंक दिया। जो कोट के अंदर हुड लगे होते थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहां से उसकी पूरी खोपड़ी उड़ी, हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उसके उस ग्रेनेड के धमाके से जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। साथ ही वही एक मौका था कि मैं अपनी भारत माँ के लिए कुछ विशेष कर गुजर सकता हूं। मैंने बिना पल गवाए हुए पाकिस्तान के उस सैनिक की राइफल को उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं कि उस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। इस हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुलाया। तभी दूसरे पत्थर पर गया, वहां से फायरिंग किया, तीसरे से किया। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से हिंदुस्तान की फौज की रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस इतना ही तो उनका जोश होता है, इतना ही तो उनमें ताकत होती है, भाग गए डर कर। तीन चार मीटर रेंगता हुआ जब आगे गया तो जाके देखता हूं सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी जो बड़े हथियार मोटर पोजिशन थी वो वहां से क्लियर नजर आ रही है। तमाम को वहां से देखा, पूरी सूचना एकत्रित किया, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि अभी मेरी दूसरी टीम अटैक के लिए आएगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा सकूं, अपने साथियों तक दे सकूं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। सब कुछ वहां से देख करके वापस मुड़ा, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है। मैं वापस रेंगता हुआ, खिसड़ता हुआ अपने साथियों तक पहुंचा तो एकदम से लगा कि हो सकता है कि मेरी तरह कोई मेरा साथी जीवित होगा। दोस्तों आकर के देखने लगा, किसी का पूरा सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। इतनी असहनीय पीड़ा होने लगी क्योंकि हड्डियां जब आपस में टकराने लगी, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश किया लेकिन हाथ बंधा नहीं, ऐसा लगा कि शायद ये कट गया है। फिर लगा कि कट गया तो इसको तोड़ कर ही फेंक देता हूं, इसे पकड़ करके तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, अच्छे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा कि जाऊं कहां, किधर जाऊं।
ढाई साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न सर्विस का तजुर्बा न उम्र का अनुभव। अब ये भी तो पता नहीं कि रात को किन रास्तों से चढ़ करके हम आए हैं, किधर हिंदुस्तान है कहाँ पाकिस्तान है, चारों तरफ तो पहाड़ी पहाड़ी और बर्फ ही बर्फ थी, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। साथियों, जैसे मैं पहले बताया कि अगर निस्वार्थ भाव से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। तभी एक आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते बहुत नीचे पहुंचता हूं, एकदम ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। नीचे की तरफ देखा तो मेरे साथी मुझे नजर आए, उनको आवाज़ दिया, दौड़ करके मुझे निकाल करके लेके गए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको लगा कि थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा। लेकिन मैं सबको बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लीजिए कैसे भी करके। कमांडिंग ऑफिसर साहब को सूचना दिया कि इस प्रकार से एक लीडिंग सेक्शन का जवान बच करके आया और इस प्रकार की सूचना दे रहा है। ये दिन के लगभग 1:30 या 2 बज रहा होगा। सीओ ने बोला, इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाइए। वर्दीधारी जानते हैं आप लोगों के, इधर भी पहाड़ियां हैं, चढ़ना पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। सीओ साहब के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और इतना ब्लड निकल चुका था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब ने बोला, बेटा मेरे को पहचानता है, मगर सब आवाज सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। देखिए, लड़ाई तब जीती जाती है जब हमारा इंटरपर्सनल आपसी संबंध मजबूत होते हैं, एक आत्मिक लगाव होता है एक दूसरे के प्रति, और जो फोर्सेस हैं उनके अंदर ये चीजें हैं, एक पिता पुत्र जैसे संबंध होते हैं। उन्होंने तुरंत अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, मगर साहब पानी पिला दीजिए क्योंकि अभी बारूद की वजह से जबान नटने लगी थी, बड़े सख्त थे। बोला, नहीं पानी नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने सुन लिया कि बोला, नहीं 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 बेटा, मैं पानी पिलाता हूँ। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आकर के ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी आई, महसूस हुई एक एनर्जी है शरीर के अंदर। सीओ साहब ने बोला, बेटा कुछ बता सकता, मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सीओ साहब को दिया। लास्ट में सीओ साहब ने बोला, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब, जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था, एक बड्डी पेयर ने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही है, सर भूख ही नहीं लगती है। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को मेरी बटालियन ने दोबारा से अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो चुका था, मुझे भी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट रेफर कर दिया गया और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूं और बाड़मेर की धरती इन पावन लोगों के बीच हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। मैं यूथ को, चाहे बाड़मेर की यूथ हो चाहे हिंदुस्तान के दूसरे नौजवान साथी हो, मैं सबको यही आह्वान करता हूं कि आप, जनरल साहब ने
डीआईजी साहब ने, आईजी साहब ने वर्दी के लिए बोला वर्दी होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान आपके दिलों में होना चाहिए, आपके कार्यों में हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में रहें, देशभक्ति ये नहीं है कि हमने वर्दी पहन ली हम ही देशभक्त हैं। देशभक्ति हमारे जज्बातों में होनी चाहिए, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। हम कहीं से भी देशभक्ति दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, सिर्फ एक जुनून होना चाहिए, देश के लिए जुनून होना चाहिए। जिस भी कार्य में हम कार्यरत हैं, जिस कार्य में हम लगे लगे, जिस क्षेत्र में हम हैं, उस क्षेत्र में काम करते समय अपने राष्ट्र और राष्ट्रवासियों को सर्वप्रथम रख करके काम करना चाहिए कि इस काम से मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्रवासियों को क्या सहूलियत मिल सकती है, उनको क्या सुरक्षा मिल सकती है, उनको क्या संपन्न बन सकते हैं, क्या समृद्ध मेरा राष्ट्र बन सकता है इस कार्य से। अगर इस सोच के साथ हम कोई काम करते हैं तो कोई गलत काम हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें सच्चा राष्ट्रभक्त, हमें सच्चा हिंदुस्तानी बनने की जरूरत है। अगर आप लोग जो मेरे देश की युवा शक्ति बैठी है, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी बन गए तो आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, एक अच्छे पुलिस आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप हर बन सकते हैं, लेकिन उन सबसे पहले जरूरी है कि अच्छा हिंदुस्तानी बनना। अपनी हर काम के अंदर एक सकारात्मक सोच रखना है। कोई भी काम करें, अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो शरीर की तमाम शक्तियां आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती हैं, और उसको करना चाहिए। एक सकारात्मक सोच अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना बहुत जरूरी है, तभी हम एक सच्चे राष्ट्र का, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ये ताकत जो आपकी ताकत है, यही देश की ताकत है। जिस दिशा में ये युवा शक्ति की ताकत जाएगी, देश उस तरफ ही जाएगा। तो उस ताकत को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है, और हम सबका दायित्व बनता है जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, समय समय पर अपने इस यूथ को सही मार्गदर्शन दें, ताकि ये राष्ट्र एक निर्माण राष्ट्र का निर्माण कर सके और इस देश को समृद्ध, सशक्त और पावरफुल राष्ट्र बना सके। मैं पुनः इस ऑर्गेनाइज कमेटी के तमाम सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पावन मिट्टी को चूमने का, अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य इन्होंने दिया है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आखिर में मैं एक कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कवि लोग भी हैं और हम सैनिकों की एक जो हमारा परिचय होता है, सब अपना अपना परिचय अलग अलग देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम सैनिकों का एक ही परिचय होता है, चाहे हम पुलिस का सिपाही हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का सिपाही हो, चाहे आर्मी एयरफोर्स नेवी का सिपाही हो, उसके जवान से एक ही चीज होती है कि वो बोलता है न मैं नेता हूं ना अभिनेता हूं, न नेता हूं ना अभिनेता हूं, न कवि हूं, भाषा की परिभाषा से अनभिज्ञ हूं, मैं तो भारत मां के आंचल पर लगे दागों को अपने लहू से साफ करने वाला सेवक हूं। तो हम तो सेवक हैं और हम सब सेवक हैं। आप जो यूथ है वो भी अपने आप को देश का सिपाही समझे। आपके पास अभी ये वर्दी नहीं है तो वो हिंदुस्तान की वर्दी आपके पास सिविल वर्दी है, क्योंकि भगत सिंह ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, आप जैसी ही वर्दी पहन करके इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया था। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए राष्ट्र के लिए। अंत में मैं पुनः
जो हमारे शहीद परिवार हैं उनको नमन करता हूँ, इस बाड़मेर की तमाम जनता को नमन करता हूँ, स्टेज पर सम्मानित तमाम लोगों को नमन करता हूँ। आखिर में यही कहूंगा कि करमवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं। मैं बस कुछ क्षणों के लिए आपसे और विनती करना चाहता हूं। साहिबान, हमारे आज के इस समारोह के खास मेहमान सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र से सम्मानित। यादव साहब ने कितने खूबसूरत शब्दों में इतने दर्द, इतनी तकलीफ, मौत के मुहाने पर खड़े होने वाला शख्स भी उस मंजर को इतनी खूबसूरत तरीके से मंजर कशी कर सके, मैं सलाम करना चाहता हूं आपको। देखिए साहिबान, यादव साहब ने 18 गोलियां खाई, उसके लिए जितनी तालियां बजाएं बजा लें। ओके, अब सुनिए, ये तो केवल सुनिए, ये केवल नजराना था। तालियां अब इस वजह से बजाइए साहिबान के सूबेदार मेजर यादव ने तमाम गोलियां सीने पर खाई, पीठ पर एक भी गोली नहीं खाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं डीएफओ साहब विक्रम केसरी प्रधान साहब, वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं हमारे बीच में, साथ ही कमांडेंट प्रदीप शर्मा साहब, कैप्टन हीर सिंह जी और रघुवीर सिंह तामलोर साहब, ये प्रमुख सूत्रधारों में से हैं इस आयोजन के। मैं निवेदन करता हूं कि आप सूबेदार मेजर यादव साहब को ये समय चक्र प्रदान करें। विक्रम केसरी प्रधान साहब आईएफएस, कमांडेंट प्रदीप शर्मा साहब, कैप्टन हीर सिंह जी और रघुवीर सिंह जी तामलोर, बहुत आभार। और अब एक छोटी सी औपचारिकता, बल्कि औपचारिकता ना कहकर मैं हमारे स्थानीय कलाकार बुजुर्ग हीर सिंह जी के हाथों यादव साहब के कांधों पर एक नया बोझ, ये बोझ है बाड़मेर के अपनेपन का, ये बोझ है बाड़मेर की मेहमान नवाजी का, ये बोझ है बाड़मेर के अपनेपन, अपनायत और शिष्टाचार का। बहुत शुक्रिया।